क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो देखिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका था आपका, 7 नहीं हुआ था आपका। तो देखिए, 7th को देख लेते क्या है। ऐड 8, 12, 230 एंड 1475 इन थ्री डिफरेंट ऑर्डर्स टू गेट द सेम सम। ओके, तो बहुत ही सिंपल है आपका ये। आपको अलग अलग तरीके से इसको लिखना है और फिर आपको सेम सम निकालना है, ठीक है? मतलब जैसे मैं बता देती हूँ आपको किस तरीके से इसको लिखना है। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर। तो देखेंगे आप यहाँ पर। ओके, तो जैसे आपका नंबर लिखा हुआ है 12 200, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 12 230 एंड 1475, ठीक है? अब इसको ऐड करेंगे और फिर आंसर फाइंड करेंगे। फिर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया। ओके, फिर आपने ऑर्डर चेंज करके देखिए क्या लिखा। फिर आपने 12 नहीं लिखा पहले, सॉरी 8 भी था तो आपने पहले 8 लिख दिया। आपने पहले क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, ठीक है? और फिर आपने उसके बाद 230 लिख दिया, ठीक है? क्या लिख दिया आपने, 230 लिख दिया। फिर आपने 12 लिख दिया एंड देन आपने 1475 लिख दिया। देन उसके बाद आपने ऐड किया तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब फिर से ऑर्डर चेंज कर देते हैं आपका, थ्री डिफरेंट करने थे आपको। तो आपने अब 12 लिख दिया, इसके बाद 8 लिख दिया, इसके बाद 1475 लिख दिया, देन उसके बाद मैंने 230 लिख दिया। तब भी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है? थ्री ऑर्डर्स को आपने चेंज किया, थ्री तरीके से आपने सम किया, लेकिन आपका जो सम होगा, सम का जो आंसर होगा वो आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी लिखा है ऐड 26 150 3400। इसमें भी आपको बिल्कुल सेम है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग क्लास 4th, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग? ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, एडिशन कर चुके थे। ओके, फाइंड दिस सम, हम लोग फाइंड दिस सम पे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे, ये आपको अपने मन से ही करना है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4B। ओके, तो एक्सरसाइज 4B को देखिए, ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे 4B। तो 4B में बहुत ही सिंपल, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आप इसको खुद अपने होमवर्क में करेंगे। अब हम देखेंगे फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपका क्या है, मिसिंग डिजिट्स। तो मिसिंग डिजिट में आप क्या करेंगे यहाँ पर, कि आपको देखना है यहाँ पर कौन सा डिजिट मिस है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो 7 है यहाँ पर 4 है, तो आप ऐड करते हैं, जब 4 में कौन सा नंबर ऐड करते हैं कि आपका 7 आ जाता है, ठीक है? तो अगर आप 3 को ऐड कर देंगे तो आपका 7 आ जाएगा, ठीक है? फिर आपने क्या किया, 8 एंड 3 आपने किया, तो 8 एंड 3 जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 11। लेकिन आप यहाँ दो नंबर नहीं लिख सकते, तो आप 1 यहाँ पर क्या करेंगे, कैरी लगाएंगे, ठीक है? तो 1 आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैरी ऐड करेंगे। तो ये 1 हो गया और 5 हो गया, तो 6 हो गया, लेकिन आपको 8 लाना है, तो आपको 2 नंबर और ऐड करने पड़ेंगे ना, तो आपका यहाँ 2 हो जाएगा। देन यहाँ पर अब कोई कैरी नहीं है, तो 7 + 2 क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। एंड 5 में आप कौन सा नंबर प्लस करेंगे, तो 7 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो कितना आया, 2। तो आपका कितना आ गया आंसर, 2। तो ये आपका मिसिंग नंबर्स थे, मिसिंग डिजिट्स। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो आपने देखा कि 0 में आप क्या नंबर ऐड करते हैं कि यहाँ पर 5 आ जाए। ओके, तो आप 5 से 0 को माइनस करेंगे तो कितना आया आपका, 5। ओके, देन आपने क्या किया, आपने यहाँ पर 3 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको कोई ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे कि कैरी हो, क्योंकि 7
तो बड़ा नंबर है, तो अगर आप इसमें 6 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 13। ओके, क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। ठीक है, तो आपने 6 ऐड किया तो 13 हो गया, तो यहाँ पर जो कैरी आ गई वो क्या आ गई, 1। ओके, तो कैरी आपकी क्या आ गई, 1 आ गई। तो अब 1 में आपने 5 को ऐड किया तो क्या हो गया, 6। 6 में आपने 2 को ऐड किया तो कितना हो गया, 8। ओके, तो यहाँ पर आपका 8 आ गया। ओके, देन अब कोई कैरी नहीं है तो आपने 4 में 2 कुछ नंबर ऐड करना है जो आपका 2 हो जाए, तो आप यहाँ पर 8 करेंगे। ओके, तो यहाँ 2 हो गया और यहाँ पर आपका +1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 9। ओके, तो ये आपके थे मिसिंग लेटर्स। अब जो मिसिंग लेटर्स सी एंड डी भी देखेंगे, सी एंड डी को देखेंगे अपन। तो सी एंड डी आप होमवर्क में करके लाएंगे। बाकी के जो 7 क्वेश्चन है ये आपका एडिशन है, ये जो 7th क्वेश्चन है आपका। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका एडिशन है, ये भी एडिशन है, तो ये सारे सिंपल हैं। इसको आपको क्या करना है, कॉलम में लिखना है, फिर आपको ऐड करना है। जैसे कि आपने ये लिखा कि 4, 3, 6, 9, देन 3, 5, 7, 2, 6 एंड 6, 4, 8, 5, 0। ओके, इन सबको इस तरीके से कॉलम में लिखना है और फिर उसके बाद आपको ऐड करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है 4B, वो आप होमवर्क में अपने मन से पूरी करके लाएंगे। ओके, ये आपकी 4B एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर सीधे लगा देती हूँ कि 4B आपको टोटल करनी है। ओके, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू सो मच।